आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लबेड़े का अचार। इसे कई तरह के नामों से बोला जाता है, कोई लहसुड़े का कहता है, कोई लबेड़े का बोलता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अचार होता है और ये साल में एक ही बार बनाया जाता है। और इसे जब आप बनाएं तो इसका जो टेस्ट होता है वो और अचारों से बिल्कुल अलग होता है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 1 किलो लबेड़े लिए हैं और इसको हमको बनाने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। ये देखिए इस तरीके से लगे हुए होते हैं डंडियों में, और हमें इसकी डंडियों से इनको किस तरीके से अलग करना होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इनको हमें इस तरीके से खींचना होता है, मतलब खींचना क्या होता है, इन्हें तोड़ना होता है। इसकी जो टोपी है वो नहीं निकलनी चाहिए, ये इसकी टोपी इसमें लगी रहनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से, और हम इसकी सभी जो डंठेल हैं उन्हें अलग कर लेंगे। इस तरीके से हम सबको एक एक करके निकालेंगे। इसमें बहुत से जो होते हैं लबेड़े खराब भी होते हैं तो उन्हें भी हम हटा सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से सारे लबेड़े निकाल लिए हैं। ये मार्केट में मई और जून के ही महीने में मिलते हैं। ये देखिए अब हम इन्हें बनाने का प्रोसेस तैयार करते हैं। इन्हें हमें सबसे पहले पानी से धोना होता है। इनको अच्छे से पानी से धोएंगे, ऐसा नहीं है कि हमें इसको रगड़ रगड़ के धोना है, ऐसे धोना है कि इसकी टोपियां भी नहीं निकले और ये अच्छे से वॉश हो जाए, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत जो होती है मिट्टी लगी होती है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमें एक दो बार पानी से हमें इसको वॉश करना है, जिससे जो अच्छे से इसकी जो मिट्टी है वो निकल जाएगी। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी जो टोपी है वो नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो एक चिपचिपा सा एक पदार्थ होता है वो नहीं निकलना चाहिए बाहर। अगर वो निकल गया तो ये सारे लबेड़ों को खराब कर देगा और इनके अंदर पानी भर जाएगा। ये हमने सारे लबेड़े अच्छे से वॉश कर लिए, अब हमें इसे उबालना है। ये मैंने पानी रख दिया था इसे गैस पर एक बर्तन में। अब इसमें हमने डाली हल्दी, इसमें हमें नमक नहीं डालना। बहुत से लोग इसमें नमक भी डालते हैं, अगर आपको नमक डालना है तो आप डाल सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से हल्दी डाल दी इसमें। अब इसमें हम लबेड़े डालेंगे, क्योंकि अब हमें इन्हें उबालना है। इसे हमें इतना डालना है कि ये अच्छे से डूब जाए पानी में। ये देखिए इस तरीके से, थोड़ा बहुत अब मेरा पानी ज्यादा है तो मैंने इसको निकाल दिया था। अब ये देखिए इस तरीके से उबाली आना शुरू हो रही है। हमें इसको इतना उबालना है कि ये थोड़े हल्के सॉफ्ट हो जाएं। इसे हमें ओवर कुक नहीं करना, इसे हमें 1 या 2 मिनट तक ही उबालना होता है। इसे हम ऊपर नीचे करते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे चिपकना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और हल्दी से थोड़ा कलर भी अच्छा आ जाता है और थोड़े से ये अच्छे से कलर में भी आ जाएंगे। और ये देखिए हमें इसको ओवर कुक नहीं करना है। ये देखिए अगर हमने एक चक्कू से या आप किसी नाइफ से लगा के देख रहे हैं हम, तो ये हल्के से कुक हो चुके हैं। बस इतना ही हमें चाहिए। इसे हाफ बॉइल करना है, पूरा बॉइल नहीं करना हमको इसको, बस 1 से 2 मिनट तक उबालना है। मतलब 1 या 2 वाली आई और हमें गैस बंद करनी है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने बाहर निकाले। ये मैंने एक चलनी डाल ली है बर्तन में और इसमें हम निकालते जाएंगे। इस तरीके से हमने निकाल लिए इसको। थोड़ी बहुत जो टोपी होती है वो निकल भी जाती है, क्योंकि ये तो ये अचार ऐसा होता है, अगर आप चाहें तो साल भर भी रख सकते हैं, लेकिन साल भर तो रखने का बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आप इसे अगर बनाए तो 15 से 20 दिन या 1 महीने में आप इसे खत्म कर सकते हैं खा के। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको चलनी में निकाल लिया है। अब इसे हम इसका पानी जब तक निकल नहीं जाए इसे हम इसी तरीके से रखेंगे इसको। ये देखिए इस तरीके से, और इसको जब हम किसी कपड़े पे या किसी आप न्यूज़पेपर पे या आप उस पर डाल सकते हैं, जिससे कि ये अच्छे से इसका जो पानी है वो अच्छे से सूखना चाहिए। अब इसके लिए हम करेंगे मसाला तैयार। इसको हमें 1 या 2 घंटे चाहिए। हमें इसको जैसे आप देख रहे हैं मैंने इसको एक किसी अखबार या न्यूज़पेपर पे मैंने डाल दिया है, या पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। अब इसका मसाला तैयार करने के लिए मैंने सौंफ ली है, मैंने पीसी हुई सौंफ ली है, और मैंने इसमें पीसी हुई मैंने पीली राई ली है, और थोड़ी सी मैंने इसमें हींग डाली है। और इसे हम हल्का सा चलाएंगे, और इसको हमें ऐसा नहीं है कि हमने गैस चालू छोड़ दी और मसाला भून रहे। देखिए मैंने बिल्कुल बर्तन गर्म किया है फ्राई पैन, और उसमें मैंने मसाला डाला है। बस हल्की सी इसमें जो मॉइस्चर है उसे खत्म करना है, क्योंकि हम ये मसाला बना रहे हैं अचार में डालने के लिए, क्योंकि हमें अगर इसको ज्यादा टाइम तक चलाना है तो थोड़ा मॉइस्चर होता है मसाले का, वो हमें सुखाना है। ये हमारे लबेड़े हैं ये सूख चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से ये इनका जो मॉइस्चर है वो पानी है वो बिल्कुल सूख चुका है। अब हम इसे एक एक पूरा इसमें बर्तन में डाल लेंगे। और हमें एक चीज का ध्यान भी रखना है, अगर आप चाहें तो इसकी टोपी भी निकाल सकते हैं। मैंने टोपी निकाली नहीं है, बहुत से लोग इसकी टोपी निकाल करके ही अचार बनाते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको, इसमें एक गुटली भी होती है अंदर, और ये हमने इस बर्तन में डाल लिया है। अब हम ये सारा मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए हमें ज्यादा कोई सारे तमाम मसाले नहीं चाहिए होते, इसमें केवल सौंफ राई और हींग चाहिए होती है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी वो भी डाल सकते हैं, काली वाली राई। ये देखिए मैंने थोड़ी लाल मिर्च डाली है, आप जैसा तीखा पसंद करते हैं आप उस हिसाब से मिर्ची डाल सकते हैं। और नमक थोड़ा ज्यादा ही लगता है अचार में, तो हमने थोड़ा ज्यादा ही नमक डाला है जिससे कि अचार अच्छा बनेगा। और ये हम डाल रहे हैं सरसों का तेल, इसको मैंने पहले से ही उबाल के रख लिया था, मतलब इसका जो कड़वापन होता है, कड़वा तो ये होता ही है, साथ में मैंने इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया था और ठंडा करके मैंने रख लिया था। अब ये इसको मैं सब मसाले के साथ और ये अच्छे से मिक्स करूंगी, क्योंकि अचार में मसाला ज्यादा लगता है और ये बहुत ही फास्ट बनने वाला अचार है। इसे 4 से 5 दिन आराम से लग जाते हैं बनने में। आप इसे 4 से 5 दिन में आराम से खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एक चिपचिपा सा जो एक पदार्थ होता है वो उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल और डाल रहे हैं,
क्योंकि अचार में जितना तेल डालेंगे उतना अच्छा होता है और लंबे समय तक ही हमारा अचार टिकेगा। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ऊपर नीचे हमने मिक्स कर लिया है और हम इसे मैंने एक पेरल पैड का डिब्बा ले रखा है और उसमें मैंने इसको अच्छे से वॉश करके और मैंने साफ कर लिया था। अब इस अचार को हम इसमें डाल देंगे। ये अचार साल में एक ही बार आता है, मतलब मिलता है, और इसके जो लबेड़े होते हैं ये मई जून के ही महीने में आते हैं। ये साल में एक ही बार बनाया जाता है। और ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया, इसमें मैंने तेल और डाला है जिससे कि ये अचार हमारा खराब नहीं हो। आपको जो अच्छा तेल लगता हो, ऑयल जैसे रिफाइंड ऑयल है, आप उसमें भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने मिक्स करके और रख दिया है। और जब आप इसे धूप में रखने की जरूरत नहीं पड़ती इस अचार को, आप इसे अपने रूम टेम्परेचर पे कमरे में ही रख सकते हैं और ठंडी जगह पे, और साथ ही इसे रोजाना हमें हिलाना होता है जिससे मसाला और तेल अच्छे से मिक्स हो सके और ये अचार जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। 4 से 5 दिन लगते हैं। ये देखिए हमने अचार बनाया था तो ये थोड़ा सा दब भी गया है अचार, और ये अचार हमारा तैयार है। इस अचार को बनने के बाद पहचान एक ही होती है, जब हम इस अचार को तैयार करते हैं और बनता है तो ये जो जब हमने इसको बनाया था तो ये गोल गोल इसके लबेड़े थे तो ये थोड़े से श्रिंग हो जाते हैं। ये देखिए थोड़े से श्रिंग हो गए तो इसका मतलब ये हमारा अचार तैयार हो चुका है खाने के लिए। ये देखिए इस तरीके से बनता है ये, और ये बहुत अच्छा सा सॉफ्ट भी हो जाता है ये अचार। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये इस तरीके से देखिए श्रिंग भी हो गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। ये देखिए इस तरीके से तैयार हो गया हमारा अचार, आप इसे खा सकते हैं। और आपके अगर शहर में मिलता हो तो आप इसे एक बार जरूर बनाएं और जरूर ट्राई करें कि इसका टेस्ट कैसा होता है। इसका टेस्ट और खुशबू बिल्कुल सब अचारों से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, जो कि हमें बहुत अच्छी लगती है खाने में। और ये फायदा भी करता है अचार, ये हमारी बॉडी के लिए, बादी हटाने के लिए, इसमें न्यूट्रिशंस भी होते हैं, मतलब ये हर चीज से बहुत अच्छा है। और जो बादी होती है लोगों के बॉडी में उसमें बहुत काम करता है ये। तो एक बार आप जरूर बनाएं इसे। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।